हेलो एवरीवन। तो इन दिस वीडियो मैं आपको एक मेरा बहुत ही फेवरेट ओपनिंग बताने वाला हूँ जो मैं रेगुलरली खेलता हूँ और बहुत खेलता हूँ। दैट इज द क्वींस गैम्बिट ओपनिंग। ठीक है, इसमें एक्सेप्टेड वेरिएशंस भी है, डिक्लाइंड वेरिएशंस भी है, और जैसे मतलब आई प्ले D4, तो बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस आते रहते हैं। समटाइम्स इट्स स्लाव, ग्रूनफेल्ड, सेमी स्लाव, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के आते रहते हैं। बट इन दिस वीडियो मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि अगर आप क्वींस गैम्बिट खेलना चाहते हो या फिर आप कंटिन्यूअसली खेलते हो या सीख रहे हो, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। मैंने दो वीडियोस बनाए हुए हैं ऑन द थेरोटिकल लाइन ऑफ क्वींस गैम्बिट। ठीक है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दैट इज पार्ट वन एंड पार्ट टू। उसमें 10 वेरिएशंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेटली पहले उस वीडियो को देखो। इस वीडियो में एप्लीकेशन पार्ट है कि उन को यूज कैसे किया जाता है, गेम में कैसे हम लोग क्वींस गैम्बिट को यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने कुछ गेम्स के थ्रू यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं। चलो देखते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। तो बढ़ते हैं हमारे मेरे फर्स्ट गेम की तरफ। तो ये मेरा फर्स्ट गेम है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि दिस आई एम प्लेइंग अगेंस्ट 2134 रेटेड ओपोनेंट। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। तो मैंने स्टार्ट किया एज यूजुअल माय फेवरेट D4। मैं यूजुअली D4 ही खेलता हूँ। देन D5, C4, E6। तो ये हो गया क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन। सो नाइट टू C3, पॉन टू C6। ठीक है, तो ये हो गया क्वींस गैम्बिट का सेमी स्लाव वेरिएशन। कभी भी याद रखो, अगर ऐसे सेमी स्लाव वेरिएशन आता है तो आपको पहले पॉन टू E3 खेल कर ऐसा आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाना है। ये बिशप अंदर ही रहेगा। ठीक है, वरना क्या होता है कि इधर से एक बार प्रेशर पुट होना स्टार्ट हो गया तो बहुत बहुत आपको प्रॉब्लम होगा। तो बेटर है कि आप बिशप को अंदर रखो, ये स्ट्रक्चर बनाओ इन केस ऑफ पॉन टू C6 और E6 जब दोनों साथ में आता है। ठीक है, सो इट कंटिन्यूड विथ नाइट टू F6, नाइट F3, बिशप D6, बिशप D3, नाइट B2 D7, कैसल्स, पॉन टेक्स, बिशप टेक्स। ठीक है, यहाँ तक के सारे बुक मूव्स थे। एंड देन माई ओपोनेंट प्लेड पॉन टू E5, विच वॉज अ काइंड ऑफ अ मिस्टेक ओनली। और आपको मतलब मैं बताता हूँ, अगर आप करेक्ट खेलते हो ना क्वींस गैम्बिट या फिर D4 से कोई भी लाइन, मैक्सिमम पीपल जैसे मतलब जो आप देखोगे तो नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ वेरी हाई लेवल, बट जैसे 1000 रेटिंग में या 1500 रेटिंग में, तो ज्यादा से ज्यादा लोग E4 खेलना पसंद करते हैं। D4 प्लेयर्स आर कंपेरेटिवली मच लेसर। ठीक है, मैं भी कुछ जैसे जब भी ब्लैक से खेलता हूँ, सो D4 इतना ज्यादा नहीं खेलते लोग। दे डोंट प्रिफर D4 दैट मच, मे बी बिकॉज एट द हाइयर लेवल्स E4 इज मोर कॉमन। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। ठीक है, तो इसलिए अगर आप D4 से परफेक्ट खेलते हो तो ओपोनेंट मिस्टेक करेगा ही। ओके, इट्स नॉट अबाउट कि अरे ओपोनेंट ने मिस्टेक किया दैट्स वाई आई एम विनिंग। डेफिनेटली ओपोनेंट को मिस्टेक करना ही पड़ेगा, देन ओनली यू विल विन। विदाउट मिस्टेक तो गेम ड्रॉ ही हो जाएगा। बट हियर लाइक यू कैन सी कि अभी उसका मिस्टेक ऑन द E5 टर्न पे ही आ चुका है। सो आई प्लेड पॉन टेक्स, नाइट टेक्स, नाइट टेक्स, बिशप टेक्स और क्वीन टेक्स, किंग टेक्स के बाद आई गॉट वन फ्री पॉन। ठीक है, बट इतना कुछ हार्म नहीं होता है। एक पॉन एक्स्ट्रा मिलने से लाइक ऐसा नहीं है कि ही इज कम्प्लीटली इन टू लूजिंग पोजिशन। वो है, उसके पास बहुत से चांसेस है। तो उसने कंटिन्यू किया बिशप टू F5, बिशप टू D2। अभी मैं सिंपली मेरे पीसेस डेवलप करना चाहता हूँ। ही प्लेड क्वीन C7, पॉन टू F4 टू अटैक द बिशप। यहाँ मैंने थोड़ा सा मतलब सोचा कि लाइक शुड आई प्ले द F4 और नॉट, बिकॉज ये पॉन जो है वो थोड़ा वीक हो जाता है। बट आई वॉज लाइक ओके, आई कैन हैंडल दैट, बिकॉज ये पॉन पुश करके मैं इस वीकनेस को हटा सकता हूँ। तो आई कंटिन्यूड विथ रुक टू E1, ही प्लेड बिशप टू D3, देन पॉन टू E4। ये इनएक्यूरेसीज, ब्लंडर्स कंप्यूटर दिखा रहा है कंटिन्यूअसली। बट आप देखो लाइक इट्स नॉट इजी टू प्ले इन सच पोजिशंस। ठीक है, और इवन मी माई ओपोनेंट लाइक वी हैव अ वेरी गुड रेटिंग। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ऐसे नहीं हो रहा है कि ही इज हाई रेटेड एंड डूइंग द मिस्टेक। सारे गेम्स में आपको एक बहुत ही कॉमन पैटर्न दिखेगा, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू प्ले इन सच पोजिशन। तो ही कंटिन्यूड विद बिशप चेक, आई ब्लॉक्ड विद द बिशप। सिंपल रीजन वॉज इफ आई विल प्ले द किंग H1, तो फिर दिस नाइट अटैक्स आर कमिंग दैट आई डोंट वॉन्ट टू अलाउ। सो सिंपल बिशप E3 एंड इवन कंप्यूटर हैज गिवन इट अ ग्रेट मूव। तो ही कंटिन्यूड विद बिशप टू B4। डेफिनेटली ही डोंट वॉन्ट टू एक्सचेंज द पीसेस। जब आपका मतलब पोजीशन थोड़ा खराब होता है तो आपको पीसेस एक्सचेंज नहीं करने चाहिए। दैट्स व्हाट माय ओपोनेंट इज फॉलोइंग। सो आई कंटिन्यूड विद बिशप टू D4, बिशप टेक्स, नाइट टेक्स पॉन। ही वांटेड टू विन दैट पॉन बैक, तो इसलिए उसने बिशप से मारा था। ओके, सो आई कंटिन्यूड विद बिशप टेक्स पॉन, बट स्टिल आई एम अप अ पॉन। रुक टू D8, फिर बिशप चेक आया, किंग वेंट ऑन द B6,
देन आई कंटिन्यूड फॉर पॉन टू बी फोर। पॉन से वैसे प्रेशर जितना आप पुट करोगे ओपोनेंट को उतना डर लगेगा। ओके सो इट कंटिन्यूड विथ नाइट डी सिक्स, बिशप टू बी थ्री, देन बिशप टू एफ फाइव, पॉन टू ए फोर, पॉन ए सिक्स, रुके डी वन, और किंग इधर जा चुका है। नाउ देर इज अ पिन, सो आई कंटिन्यू टू पुट प्रेशर ऑन इट, सो आई हैव डबल्ड अप माई रुक्स, इवन माई ओपोनेंट डबल्ड अप टू स्टॉप इट, एंड देन आई प्लेड एच थ्री विद द आइडिया ऑफ पॉन टू जी फोर। अभी क्या करना है मुझे, इफ बिशप गोज आउट ऑफ दिस डायगोनल तो आई विल पुट माई बिशप हियर एंड इट विल अटैक इट, और देन तो फिर कंप्लीटली विनिंग है। बट मेरे ओपोनेंट ने अच्छे से डिफेंस किया, ही प्लेड एच फाइव, फिर किंग एफ टू आया, पॉन पुश, किंग टू एफ थ्री, पॉन पुश अगेन, फिर बिशप एफ सिक्स खेल कर मैंने एटलीस्ट एक पॉन विन किया है। तो चेक, किंग टू ई थ्री, और यहाँ पे थोड़ा सा खेलना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ आई हैव टू गेट आउट ऑफ कि वो रुक के लाइन से मुझे बहुत बाहर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिशप पीछे गया, यहाँ एक्सचेंज ऑफ बिशप, एक सेकेंड पॉन मिल चुका है मुझे, और अभी ऑलमोस्ट मैं प्लस थ्री हूँ, ठीक है, सॉरी थर्ड पॉन मिल चुका है, प्लस थ्री आ चुका हूँ। किंग जी वन, एक्सचेंज ऑफ रुक्स, एक्सचेंज जितना होगा आई एम गुड विद दैट, एक पॉन उसने रिकवर किया है, बट डजेंट मैटर। यहाँ मेरा सिंपल प्लान है कि मुझे ये जो तीन पॉन्स है उनको पुश करते रहना है, ठीक है। सो किंग जी टू के साथ आई कंटिन्यूड, पॉन पुश आ रहा है कंटिन्यूअसली, यहाँ और एक एक्सचेंज हो गया है पॉन्स का, पॉन पुश, पॉन पुश, अभी मेरा ऑलमोस्ट टच हो रहा है, सो रुक से उसको ब्लॉक करना जरूरी है। और उसने जब पॉन पुश किया, रुक टेक्स, सो आई सेक्रीफाइस द रुक, ठीक है, और रुक सेक्रीफाइस फेमस हो चुका है बहुत, डेफिनेटली ड्यू टू गौथम चेस। ओके सो नाइट टेक्स रुक, फिर पॉन पुश, एंड देन क्वीन बनाने के बाद, ये चेक के बाद माई ओपोनेंट रिजाइन एंड आई वॉन दिस गेम, ठीक है। तो चलो आपको अच्छा लगा होगा ये गेम, और आप वीडियो को लाइक कर दो, हम लोग आगे का गेम देख रहे हैं, आप तब तक क्विकली वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं सेकेंड गेम की तरफ। तो इस सेकेंड गेम में आप देख सकते हैं मेरे ओपोनेंट का रेटिंग है 2092। चलो देखते हैं इसमें क्या हुआ है। तो अगेन डी फोर, डी फाइव, सी फोर, बिशप एफ फाइव, ठीक है, ये एक थोड़ा अलग वेरिएशन है, इसको बोलते हैं बाल्टिक डिफेंस। तो इसमें क्या होता है हम लोग देखते हैं, लाइक आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक पॉन, टेक्स पॉन खेला है मैंने, बिशप टेक्स नाइट, रुक टेक्स, क्वीन टेक्स पॉन, फिर नाइन टू एफ थ्री, मैंने ये पॉन दे दिया है, डजेंट मैटर, आई कंटिन्यूड विथ बिशप टू एफ फोर। कंप्यूटर इसको मिस्टेक बता रहा है, बट आई थिंक इट्स फाइन टू प्ले दैट मूव। फिर पॉन पुश, पॉन टू ई थ्री, सेकेंड मिस्टेक, मतलब कंप्यूटर इज शोइंग कंटिन्यूअसली आई एम डूइंग द मिस्टेक। और बिशप एफ फोर का और एक पर्पज भी था कि दैट माई क्वीन शुड डिफेंड द रुक, ठीक है। तो बिशप चेक आया, नाइट ब्लॉक्स, बिशप टेक्स, किंग टेक्स, यहाँ याद रखो अगर मैं क्वीन से मारूंगा तो ये गया, तो दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं इसको किंग से टेक करूँ। ऑल दो मेरा कैसलिंग नहीं हो रहा है, इट्स फाइन, ठीक है, बट ये पोजिशन को डिफेंड करना जरूरी था। ओके सो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा ओपनिंग मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, बट इट्स फाइन, लाइक नाइट एफ सिक्स, बिशप डी थ्री, ये चेक को मुझे अवॉइड करना है कम्प्लीटली। फिर उसने खेला नाइट टू डी फाइव, अटैकिंग द बिशप, बिशप गया पीछे, क्वीन चेक, किंग मूव, उसने किया कैसल, क्वीन सी टू, ओके कुछ भी हो जाए, वॉट एवर हैपन्स, कैसा भी पोजिशन हो, अटैक करना नहीं छोड़ना है। जितना टाइम आप अटैक करते रहोगे आपको चांस उतना ज्यादा मिलता रहेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूड विथ नाइट टू बी फोर, अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फोर्क, डजेंट मैटर, पहले मैंने दिया चेक, ठीक है, मिस्ड विन दिखा रहा है, लेट इट बी, किंग एच एट, क्वीन मूव, क्वीन चेक, किंग पीछे गया, ठीक है। अभी आप देखोगे कि इस मूव के बाद आफ्टर क्वीन टू एच फोर, विच इज अ ग्रेट मूव, ही प्लेड लाइक पॉन टू जी फाइव, लेकिन अभी इधर मतलब ही इज लॉस्ट, उसने मेरा कैसलिंग अवॉइड किया, डजेंट मैटर, ठीक है, बट आई वेंट और उसने जहाँ कैसल किया था मैंने डायरेक्ट अटैक कर दिया और बहुत अच्छे से वर्क किया। तो आफ्टर नाइट चेक, किंग डी टू, अभी देखो अभी उसके पास कोई भी अच्छा चेक नहीं है, तो उसने ट्राई किया फॉर द बिशप टू, सॉरी रुक टू एफ सेवन, लेकिन कुछ नहीं, बिशप टेक्स पॉन, डिस्कवर्ड चेक, बिशप टेक्स नाइट, चेक के बाद आफ्टर किंग डी टू, अभी कुछ नहीं है उसके पास, मैंने ये भी पॉन ले लिया, रुक खेला है, पॉन, अभी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि यहाँ पे टेक के बाद अगर मैं टेक करता हूँ तो ये मूव आ रहा है, लेकिन मुझे चलेगा टेक्स टेक, ठीक है, आई गॉट रुक एंड नाइट फॉर अ क्वीन, दैट इज फाइन। और उसके बाद बिशप सी फोर खेलने के बाद ये रुक भी पिन हो चुका है, तो अभी दो रुक और एक बिशप इजिली विन कर सकते हैं,
ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि क्वीन गया गेम गया, नो ऐसे नहीं, आपको देखना है अगर आपको क्वीन के बदले में अच्छा खासा मटेरियल मिल रहा है तो उसके लिए जाओ, डेफिनेटली गो फॉर इट, टेक दैट मटेरियल। ठीक है, तो फिर किंग G1 के बाद अभी मेरा किंग लाइक कंप्लीटली सेफ है, वो ट्राई कर रहा है टू प्रमोट अ पॉन बट वर्क नहीं करेगा, मेरे 2 पीसेस 3 पीसेस उसको इतना स्टॉप करेंगे लाइक पागल हो जाएगा। फिर फाइनल मेरा रुक चेक आ गया, अभी तो कुछ नहीं, क्वीन भी मिल गया है मुझे, और आफ्टर रुक टेक्स पॉन आई वॉन द गेम, और उसने रिजाइन कर लिया क्योंकि डेफिनेटली यू कैन सी द पोजिशन। तो इस तरह से D4 जब भी आप खेल रहे हो, इट इज लाइक कि आप डिफेंस करने के लिए भी ना ये मूव बहुत ईजी है, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं E4 खेलता हूँ या फिर लाइक नॉर्मली E4 वर्सेस D4 में अगर E4 खेलने के बाद अटैक आ जाता है किंग पे तो दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, डिफेंड करना बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन वेन यू आर प्लेइंग D4 तो इतना अटैक मतलब मैं डिफेंड कर पाता हूँ, अच्छे से मैं डिफेंड कर पाता हूँ बिकॉज स्ट्रक्चर उस अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं मेरा थर्ड गेम। तो इस थर्ड गेम में आप देख सकते हैं मेरे ओपोनेंट का रेटिंग है 2016 और इसमें एक छोटा सा ब्रिलियंसी भी है, तो चलो देखते हैं कि वो ब्रिलियंसी भी क्या था। तो वही हमारा नॉर्मल D4 D5 सेटअप, C4 E6 Nc3 Nf6 Bg5, ये सबसे कॉमन वाला क्वींस गैम्बिट है जो मैं बहुत रेगुलरली खेलता हूँ। ठीक है, नाइट भी डिसेंट बहुत परफेक्ट मूव्स खेल रहा है मेरा ओपोनेंट, अभी पिछले 2 गेम्स में हमने इतने परफेक्ट मूव्स नहीं देखे थे। क्वीन C2 पॉन 2 A6 मतलब यहाँ तक देखो बुक मूव्स, टिल दिस मूव 7 मूव तक उसने बुक मूव खेला है, और मैं आई वॉज द वन कि जिसने बुक मूव खेलना भी तोड़ा, तो उसने खेला पॉन टेक्स बिशप टेक्स पॉन पुश बिशप ऑन द D3 पॉन 2 H6। तो मेरा ओपोनेंट ना लाइक स्लाव डिफेंस वाले आइडियाज यूज कर रहा है बट यहाँ वो इतने इजिली वर्क हो ही नहीं सकते, दिस इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट ओपनिंग, उसने सेमी स्लाव स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया है ना ही मतलब स्लाव डिफेंस तो खेला ही नहीं, तो फिर ऐसे स्ट्रक्चर में लाइक एक ओपनिंग का आइडिया दूसरे ओपनिंग में इतने इजीली यूज नहीं हो पाता। सो बिशप टू B7 पॉन टू E4 मैंने कैसलिंग किए बगैर यहाँ पर पॉन पुश कर दिया, सो दैट्स व्हाई आई थिंक कंप्यूटर का कहना है कि दैट वाज अ मिस्टेक। तो नाइट केम ऑन द D5 एक्सचेंज बिशप टेक्स देन बिशप चेक बिशप पीछे आया ऑन द E4, माई प्लान वॉज टू प्ले बिशप E4, ठीक है मुझे वही खेलना था लेकिन मैं सोचा पहले चेक दे देते हैं फिर वापस आ जाते हैं, तो ऐसे जो छोटे छोटे मूव्स है किया करो दैट विल बी गुड। तो अभी मैंने कैसल कर लिया क्योंकि C5 आकर अटैक आ रहा है तो दैट इज क्वाइट डेंजरस, सो एंड C5 इज एक्चुअली मेन मूव, अगर आप D4 खेल रहे हो तो C5 आना ही चाहिए तभी आपको काउंटर अटैक का चांस मिलेगा। तो यहाँ तक जो है ना पोजिशन क्वाइट इक्वल ही है अभी तक, तो रुक FD8 रुक A2 C1 फिर उसने किंग वापस मूव कर लिया पॉन H3, एक मतलब स्क्वायर बनाना है इन केस अगर बैक रैंक प्रॉब्लम्स ना आ जाए, तो माय ओपोनेंट कंटिन्यूड विथ नाइट टू C5 किंग पीछे रुक इधर ऑन द D3, इट वाज अ बिग ब्लंडर आई रियलाइज दिस ब्लंडर, और मैंने किया यहाँ पर ब्रिलियंसी रुक सेक्रीफाइस अगेन, 2 टाइम्स रुक सेक्रीफाइस देख लिया है हमने इस वीडियो में। ओके, द सिंपल लॉजिक वॉज कि आफ्टर रुक टेक्स क्वीन रुक टेक्स रुक इज कमिंग विथ द चैट और मुझे एक और रुक मिल रहा है, तो मुझे 2 रुक और 1 नाइट मिल गया है फॉर द क्वीन, दो क्वीन को 2 बार हमने क्वीन सेक्रीफाइस देखा है सेम वीडियो में। ठीक है चलो, इट कंटिन्यूड विद क्वीन D7 और अभी आप देख सकते हो इट इज क्वाइट इजी टू विन, मैं दोनों रुक्स को मैंने अलाइन कर दिया है, अभी पॉन पुश पॉन टेक्स रुक 2 C7 अभी किंग पीछे किंग 2 F2 डिफेंड द पॉन, पीसेस को डिफेंड करते रहो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रुक टेक्स पॉन, ये मूव का कोई लॉजिक ही नहीं था, लाइक आफ्टर टेक्स टेक्स आई पुट इट बैक, वो उसका नहीं हो रहा है प्रमोट, कुछ नहीं हो रहा है। ओके, एंड दिस वे हियर इन दिस पोजिशन माई ओपोनेंट रिजाइन, होप आपको मजा आ रहा होगा, एक हम लोग लास्ट गेम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं फोर्थ गेम की तरफ। तो इस फोर्थ गेम में मेरे ओपोनेंट का रेटिंग है 2072, बहुत ही छोटा गेम हुआ है और बहुत ही मजा आएगा आपको देखने में। तो आई प्ले D4 D5 C4 और यह है क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, ठीक है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वाले थे अभी तक के सारे वेरिएशन, ये है एक्सेप्टेड वाला। तो Pe3 यहाँ पे Pe3 खेलना होता है Pe3, तो बिशप से पॉन आपको वापस मिल जाएगा आपका, ठीक है तो इसमें आपका पॉन लॉस नहीं होता है। सो उसने कंटिन्यू किया A6 बिशप टेक्स पॉन Pe2 E6 Ne2 F3, आई थिंक उसने क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, Nf6 कैसल Pe2 B5 लाइक अभी तक आप देख रहे हो इट इज द बुक मूव्स, Bd3 Bd7 Re1 अगेन आई एम द वन हुज ब्रेकिंग द बुक मूव्स,
या फिर आप ऐसे बोल सकते हो शायद मुझे पता नहीं था दैट ई फोर वॉज अ बुक मूवी है, लेकिन मेरे ओपोनेंट को यहाँ तक 7 बुक मूव्स पता थे, मतलब थियरी तो उसका बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल नॉट सो गुड। रुक E1, फिर आया नाइट BD7, पॉन पुश ऑन E4, C5, अगेन थियरी बेस्ट, C5 इज मस्ट व्हेन योर ओपोनेंट प्लेस D4, D4 के अगेंस्ट C5 इज द बेस्ट मूव। तो मैंने पहले खेला Bishop to G5, फिर Bishop to E7, पॉन पुश, नाइट वेंट, बिशप का एक्सचेंज, फिर Knight to C3, पॉन टेक्स, पहले नाइट टेक्स नाइट और फिर नाइट टेक्स पॉन, ठीक है, कैसल हुआ, Bishop to E4, और इसको एक्सचेंज कर लो। ऐसे जो बिशप्स होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी डेंजरस, तो ऐसे बिशप्स को बोर्ड पे मत रहने दो वरना ओपोनेंट को बहुत एडवांटेज होगा, ठीक है। फिर ओपोनेंट ने खेला Rook to E8, आई थिंक ये तो कोई भी बता सकता है कि कैसे है ये ब्लंडर, सिंपल Knight C6, फोर्किंग क्वीन एंड रुक, एंड आई वॉन द रुक, एंड आफ्टर Rook to G4 आई प्लेड अ वेरी सिंपल मूव Rook to C1, ठीक है, और एक्चुअली ये मूव आया है जो अभी कंप्यूटर ने बताया था Rook to D4, और यहाँ मेरे ओपोनेंट ने किया रिजाइन, बिकॉज अगर क्वीन भी पीछे जाता है तो आई हैव दिस रुक मूव, ठीक है, तो इसीलिए मैंने रुक को लाया था। और अब देख सकते हो इट लुक्स लाइक ओपोनेंट इज नॉट प्लेइंग वेल, बट नो, उसको थियरी पता है, उसको स्ट्रेटेजीज पता है, वो 2072 तक पहुंचा है, तो देयर इज समथिंग ही नोज डेफिनेटली, ही इज नॉट अ बैड प्लेयर, ठीक है। बट D4 का ओपनिंग ही ऐसा है कि मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर्स को भी बहुत अच्छे से खेलना पड़ता है, तभी मतलब इसमें वो सक्सीड हो पाते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चारों गेम्स आपको अच्छे लगे, प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और ऐसे वीडियोज आपके लिए बनाता रहूँ।